दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो गुड मॉर्निंग, यहाँ पे सुबह के 6:49 हो गए हैं। आज थोड़ा सा लेट हो गई मैं, तो यहाँ पे वरना मैं उठ जाती हूँ 5:30 तक, लेकिन आज थोड़ा 5:39 पर उठी हूँ। तो आज मैंने सोचा मैं आपको थोड़ा सुबह का रूटीन दिखा देती हूँ। तो सुबह सुबह मैं पीती हूँ एक काली चाय, ठीक है। उसके बाद मैं फ्रिज में से आटा और जो सब्जी बची होगी ना रात की, उसको निकाल दूँगी। तो ये रहा हमारा फ्रिज, कहाँ पे है? ये रहा। तो मैंने आटा भी निकाल दिया है बाहर, ताकि क्योंकि जब रोटी बनानी होती है ना बहुत टाइट टाइट लगता है, तो अब इसे मैं निकाल दे रही हूँ, फिर रोटी बनाएंगे तो तब तक ये सॉफ्ट हो जाएगा। सुबह का रूटीन तो मेरा यही है, झाड़ू पोछा लग चुका है। तो चलिए हम इसको पीते हैं, गुड़ के साथ इसको इंजॉय करते हैं। मतलब कल शनिवार था ना, तो सब्जी उतनी बनाई जितनी की यूज़ हो सके, तो सब्जी नहीं बची है। अभी मैं फ्रेश सब्जी बनाऊँगी बैंगन की। तो दोस्तों, नाश्ता पानी बन गया है और यहाँ पे 9 बजने वाले होंगे, तो मैं अभी नाश्ता कर रही हूँ। नाश्ता करने का टाइम 9:07 हो रखे हैं, तो अभी हम नाश्ता पानी करते हैं और उसके बाद फिर मिलते हो आप लोगों से, ठीक है। कुत्ता बाहर सोया हुआ है, इसको भी गर्मी हो रही बाहर बहुत ज़्यादा, तो यहीं पर सो रखा है, ये भी बाहर से सो रखा है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल से ही तो जोशी ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो सुबह का टाइम हो रहा है, नाश्ता पानी मैंने कर लिया है और अभी मैं बाहर से बैठी हूँ, क्योंकि थोड़ा सा हवा चल रही है यहाँ पे, तो मैंने सोचा बाहर से बैठ जाती हूँ और बस नाश्ता करके अभी थोड़ा बैठी हूँ। धूप तो है ही, लेकिन थोड़ा हवा चल रही है तो सही लग रहा है। मैंने एक काम और करना है, हमारा एक मनी प्लांट हो रखा है ना यहाँ पे, तो ये नीचे को ही जा रहा है, मतलब गमले में से नीचे जमीन पर टच हो जा रहा है। तो मैं इसको ऊपर को बांध दूँगी, टाई कर दूँगी। वो जो टाई करने वाले होते हैं ना प्लास्टिक के, वो हैं क्या बोलते हैं उनको पता नहीं, तो उनसे मैं सोच रही हूँ आज मैं करके ही रहूँगी। कितने दिन पहले मैं सोच रही थी करूँगी, बट हो ही नहीं पाता, भूल जाती हूँ या फिर कुछ हो जाता है। तो आज मैं सोच रही हूँ उसको करूँगी, अभी दिखाती हूँ आपको, ठीक है। ये देखो, ये मनी प्लांट हो रखा है, इसकी जो ये टहनियाँ हैं ना नीचे को आ जा रही हैं, ये इसको मैं ऊपर को कर दूँगी सारी। और इधर एक पेड़ में भी मैंने सोचा पेड़ में चले जाएगी बेल, पर वो हो नहीं रही ऊपर को ग्रो, हमेशा नीचे को आ जाती है, पता नहीं क्यों। देखते हैं आज कुछ करते हैं इसका। दोस्तों, कुत्ते को कैसे सो रखा है आराम से, ये दोस्तों गाय को दे के आते हैं उसका भोजन, ठीक है। हाँ, थोड़ा हवा चल रही बाहर तो अच्छा लग रहा है। तो जब तक मैं इनको अपने हाथ से एक एक टुकड़ा ना खिलाऊँ ना, मुझे चैन नहीं आता। अभी उठ गई, ये भगवान, उठाना नहीं चाह रही थी बस। हाँ हाँ, जय गौ माता जी। अच्छा लगता है मुझे इनको खिलाना ना, वैसे तो इनके मालिक खिलाएंगे, बाकी जो मैं लाई हूँ एक अपना खाता है। दोस्तों, मैं गाय को दे आई हूँ खाना, और वो ना मुझे फेंकना अच्छा नहीं लगता। वैसे जो कूड़े वाली गाड़ी आती है उसमें भी गाय को देती है, कह रही थी मम्मी, बट वो कब तक आएगी, तब तक उसमें बदबू भी आ सकती है, तो मैं दे आती हूँ। क्योंकि हम पहाड़ी लोग हैं ना, हमारे पास गाय भैंस पहले से होती है, तो एक चाय पत्ती भी होती है, तो उसके लिए अलग बर्तन बनाया होता है गाय भैंसों के लिए। जितना भी खाना वेस्ट होता है वो उसमें रख देते हैं, ताकि गाय या भैंस कोई खा ले, तो इसे फेंकना अच्छा नहीं लगता, तो मैं दे आती हूँ जब मुझे टाइम मिलता है। हेलो दोस्तों, तो आज बन रही है हमारी झोली और मट्ठा ख़त्म हो रखा है, तो यहाँ पे हम बनाएंगे आज नींबू की झोली। कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। पहाड़ी, यहाँ पे मैंने 2 टमाटर काट रखे हैं, मिर्ची काट दी है, और इसमें ये मेथी का तड़का लगाएंगे। बैटर यहाँ पे रेडी कर दिया है मैंने, आटे को भून के बनाऊँगी, बेसन भून के नहीं बना रही आज, क्योंकि मुझे आटे की ज़्यादा पसंद है, कभी कभी बेसन की भी बनाते हैं, ऐसा नहीं, तो ठीक है। उसके बाद मेथी, जितना पकाओ उतनी ज़्यादा खट्टी होती है। पहले हम रस निकालेंगे, बीज अलग कर देते हैं, मतलब उनमें इनका अच्छा नहीं रहेगा। कुछ इतना जूस मैंने निकाल लिया है नींबू का रस, और इसमें से बीजों को अलग करना है, और इसको हम मिला देंगे झोली में पकाने के लिए। मैंने मिक्स कर दिया है नींबू का रस, अब हम इसको चलाते रहेंगे, वरना खट्टा डालने के बाद झोली फट भी सकती है ना, तो मुझे आइडिया नहीं है अभी, तो मैं इसको हिलाते रहूँगी थोड़ी देर तक। एक उबाल आने के बाद ये अपने आप ठीक हो जाएगी। और देखो, झोली उस टाइम आपको बहुत पतली सी लग रही होगी ना, अब पकने के बाद देखो ठीक होना स्टार्ट हो गई है। ये देखिए, इनका टाइम है और बज गए हैं 12:30, तो 12:30 बजे हमारा खाना बन रहा है, और मैं बना रही हूँ आज झोली। झोली तो बन गई है, बस यहाँ पे चावल भी रख दिए साइड में, झोली और चावल बनाएंगे आज, यानी कि झोली भात, ठीक है। और गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, आप लोगों को जैसे कि पता ही है, मैंने ये फैन भी ऑन कर दिए हैं, जैसे कि जो धुआं वगैरह है सब बाहर बुझाते हुए। यहाँ पर मम्मी अपने लिए खींच रही है मूली, मतलब कि मेरे हस्बैंड जी को पसंद नहीं है, तो उनके लिए मैं निकाल दूँगी अलग से पहले,
बाकी फिर उसके बाद झोली में नींबू सॉरी ये मूली डालेंगे और फिर वो भी बहुत टेस्टी झोली बनती है, आपको दिखा दें। चाय पानी बना ली है मम्मी और हस्बैंड जी को दे दी और उन्होंने चाय पानी पी भी ली है। तो अभी मैं तैयारी कर रही थी शाम के खाने की और आज हमारी बनेगी हरी सब्जी, ठीक है। तो मैंने वो उसको मैं साफ़ कर रही थी और काट के रख दी है अलग। तो ये रही हमारी हरी सब्जी और मैंने आज कोशिश की कि मैं इसको बहुत ही बारीक काट सकूँ, तो बारीकी काट ली है देखो। इसके साथ थोड़ी सी मूली भी थी, इसको भी मैंने साफ़ कर लिया है, इनमें से एक दो मूली काट दूँगी इसमें और यही सब्जी बनेगी। तो दोस्तों शाम का टाइम है और मैं अभी छत में आई हूँ, यहाँ पर मैंने पौधों में पानी तो डाल दिया है और अब मैं यहाँ पर से थोड़ा सा फ्रेश पुदीना तोड़ रही हूँ जो कि मैंने उगाया था और मतलब पिछले साल लगाया था, इस बार ही ग्रो हुआ है। और दूसरे साइड पॉट में तो मैंने अभी लगाया है कुछ दिन पहले और अभी ग्रो भी हो गया, तो मैं इसको तोड़ती हूँ और आम पन्ना बनाऊँगी कल या फिर अभी तक। तो दोस्तों मैं नीचे आ गई हूँ और पुदीना भी तोड़ के ले आई हूँ मैं और इसका आम पन्ना बनाऊँगी या आज या कल जब मुझे टाइम मिलेगा तब। अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए, फिर उसके बाद हम जाएंगे थोड़ा सा मंदिर में शनिदेव जी के आगे हाथ जोड़ने और दिया जलाने के लिए। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ पुदीना, ये बिल्कुल फ्रेश फ्रेश पुदीना मैं ले आई हूँ और ये रहा, अब इसको पीसेंगे और फिर बनाएंगे आम पन्ना, ठीक है, या चटनी भी बना सकते हैं। कितना सुंदर लग रहा है ना हरा हरा, देखो। थोड़े से आलू और मूली के ऊपर ही हम हल्दी डाल देते हैं ताकि इनमें ना हल्दी दिखेगी और इनके ऊपर हल्का सा मैं मसाला भी डाल दे रही हूँ, ज़्यादा नहीं क्योंकि हरी सब्जी में मसाले की कोई ज़रूरत नहीं होती। बस ये आलू और मूली के लिए हल्का डाल देंगे, मिर्च इसमें काटी हुई है पहले से ही, आलू मूली के अकॉर्डिंग हम हल्का सा नमक भी डाल देंगे इसी में। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, अब हम इसमें डाल देते हैं ये हरी सब्जी। यहाँ पे अभी आटा भी भून लिया है मम्मी ने क्योंकि मैं अभी पूजा कर रही थी ना उस टाइम और फिर हमें मंदिर जाना था शनिदेव जी के। और यहाँ पे लीचियाँ लेके आए हैं मेरे हस्बैंड जी अपने कंपनी से और उसी दिन मम्मी ने भी ले ली थी, उसी दिन ये भी कंपनी से ले आए थे। तो इनको मैंने पानी में भिगा दिया है, आधा एक घंटा हो गया, तो क्योंकि दवाई वाले भी हो सकते हैं ना, तो अभी इनको भी खाएंगे। और किस किस को लीची पसंद है ये भी बताना मुझे। दोस्तों खाना पीना हमने खा लिया है, अब मैं थोड़ा सा घूमने जाती हूँ बाहर, आज हरी सब्जी बनी हुई थी और बाहर थोड़ा मौसम आज आंधी तूफान में आ रखा है, तो मैं थोड़ा सा घूम के आती हूँ अपनी थोड़ा सा गली में। चलिए तो दोस्तों मैं आ गई हूँ बाहर, अभी यहाँ पर थोड़ा सा लाइटिंग है तो यहाँ पर अच्छा दिखेगा। तो अभी मैं थोड़ा सा घूमती हूँ, एक दो राउंड मारते हैं यहाँ पे और उसके बाद फिर आज का व्लॉग यहीं पे एंड भी करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू सो मच। इधर एक डॉगी भी बैठा है हमारा, उसको वहाँ से भी रोटी मिल गई ना, वहीं पर बैठी थी। क्या कर रहा है, क्या कर लो बीबी, रोटी खा रहे हो क्या? अरे क्या हुआ, क्या हुआ, रोटी खाई खाई तुम रोटी? अभी आना चाहिए तो दूध दूंगी, ठीक है, देखो उसको पाँव देने से। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इनको कंफर्ट होता है, मतलब कि इनको को लगता है कि हमको कोई डर नहीं है, इसलिए ऐसा करते हैं। प्यारे प्यारे डॉग है ना, हाथ दो तो। चलो अगर ये मेरे साथ दौड़ता तो कितना अच्छा होता ना, दौड़ता मैं भी घूमती। दूध दे के आती हूँ मैं टोमी को आगे पास।